हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीना किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर। मैं आज को आपको बताऊँगी बर्गर की रेसिपी। मैंने यहाँ से 3 से 4 आलू लिए हैं, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है और उसमें मसाले डालने अपने स्वाद अनुसार, नमक, मिर्च, धनिया एंड अरारोट भी थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच, 4 से 5 आलूओं में 2 से 3 चम्मच अरारोट मिक्स कर लेना है। उसकी हम इस तरह से पिट्ठी बना लेंगे। देखो, इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा आलू लेकर अब हम इसकी ऐसे टिक्की बना लेंगे। हमें अरारोट लेना है, अगर हाथों में चिपके तो अरारोट लगा लगा कर, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, लोई बनाते हैं रोटी की, उस तरह से अरारोट ले लगा लगा कर इस तरह से टिक्की बनानी है। और वहाँ मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम ये टिक्की फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये टिक्की फ्राई करेंगे और अच्छे से लाल लाल कढ़ाई, मीडियम फ्लेम पे हमें रेड कलर के लाल होने तक इनको फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इनको पलटना है, ये हमको लाल करनी है, मीडियम फ्लेम पे ही रखनी है, तेज नहीं करनी फ्लेम। देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, लाल लाल हो रही है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बर्गर की जो टिक्कियां हैं वो बनाकर रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने और टिक्कियां सेक ली हैं। पहले हमको ऐसे टिक्की उतार के रख लेनी है। देखिए, सो मैंने सारी टिक्की यहाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आइए अब हम उसके आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ इधर मैंने एक क्यूकम्बर लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं आप, और एक टमाटर लिया है जिसको मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर क्यूकम्बर जो मैंने कद्दूकस करा है, इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इधर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और इसके अंदर अब मैं डालूंगी मेयोनी। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच मेयोनी डालूंगी। नॉर्मल मेयोनी है, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, वेज मेयोनी है। इस तरह से अब मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए, इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लूंगी। ये घर का बना हुआ टेस्टी एंड हेल्दी बर्गर है जो आपको नुकसान नहीं देगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। एंड इसके साथ में ये ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, इसको भी थोड़ा सा इसमें डालेंगे। इससे क्या होता है कि स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, जो मार्केट में मिलता है उससे अलग स्टाइल है। आपको ये पसंद आएगा, घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और ये बहुत हेल्थी एंड टेस्टी है, और घर की बनी हुई चीज़ तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बर्गर लिया, उसको इस तरह से कट कर लिया, हल्का सा बटर लगा के उसको तवे पे इस तरह से हल्का सा बस करना है, ये गर्म हो जाएगा। इस तरह से इसको गर्म करना है, इसके बाद इसको हम तवे से उतार लेंगे। अब इसके अंदर हम ये क्यूकम्बर और मेयोनी का जो हमने बनाया था मिक्सचर पेस्ट, वो लगाएंगे और इसके ऊपर अब हम एक टिक्की लगाएंगे इस तरह से, और एक टमाटो का स्लाइस। अब इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस लिया हमने जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, इसके ऊपर एक वो रख देंगे। ये देखिए, ये डिफरेंट स्टाइल का बर्गर है, तवा बर्गर है, इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, और इसको हम बटर लगा के ऊपर नीचे से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड, खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी लगता है ये। इसको इस तरह से दबाकर हम सेक लेंगे, इसका जो चीज़ है सारा वो मेल्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे बर्गर बन के रेडी हैं। देखिए चीज़ भी कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। आप इसको खाइए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप इसको खाइए, सॉस के साथ इंजॉय करिए एंड बताइए आप मुझे कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।